हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी डाइस क्यू एंड डाइस आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ से सवाल आता है और इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कि दो डाइस था, दो क्यू था, उसका विपरीत संख्या पूछ रहा था। आज चार डाइस है और इसमें पूछ रहा है कि दो के विपरीत संख्या क्या होगा। चार डाइस है और उसमें दिया हुआ है नंबर, अब इसको हम लोग को बनाना है, कैसे बनाएंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले सवाल पढ़िए। एक घन के फलकों पे अंकित संख्या 1 से 6 है। घन की चार विभिन्न स्थितियां दिखाई गई है, घन की चार विभिन्न स्थिति है और दो के विपरीत पूछ रहा है संख्या क्या होगा। पूछ देता तीन के विपरीत संख्या क्या होता, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, चार को घन है तो मैंने बताया था कि दो, उसमें दो था तो कॉमन हम लोग ले लिए थे, इसमें चार है तो इसमें कोई दो को हम लोग पकड़ेंगे जिसमें एक कॉमन मिल रहा है। इसको देखिए तो 1 2 3 4 चार स्थितियां है। अब इसमें देखिए फर्स्ट एंड सेकंड वाला के देखिए तो कोई एक कॉमन मिल रहा, दो मिल रहा है, इसमें भी तीन, ये दो दो को कॉमन मिल जा रहा है तो इसको नहीं लेंगे, कोई एक कॉमन मिलना चाहिए उसी को लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट और थ्री के देखते हैं कोई एक मिल रहा कि नहीं, तो इसमें भी तीन और चार दो दो कॉमन मिल जा रहा है, इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। फर्स्ट एंड फोर के देखते हैं कि कोई एक कॉमन मिल रहा है कि नहीं, तो देखिए इसमें भी दो मिल जा रहा कॉमन, तो फर्स्ट वाला के हटाइए। अब सेकंड और थर्ड को हम लोग लेके चलते हैं, तो सेकंड और थर्ड को लेके चलते हैं तो तीन कॉमन मिल रहा, क्या मिल रहा, तीन कॉमन मिल रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, तीन कॉमन मिल रहा है तो थ्री लिखेंगे और घड़ी की दिशा में हम लोग चलेंगे, तो तीन के बाद क्या आएगा, एक आएगा, उसके बाद क्या होगा, दो होगा, और इसमें दो और तीन से हम लोग चल रहे हैं, दो और तीन से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, तीन कॉमन था, थ्री हम यहां लिखेंगे, उसके बाद घड़ी की दिशा में चलिए, उसके बाद चार और उसके बाद पांच हो जाएगा। आप बताइए तीन का उल्टा क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा सर, एक का उल्टा 4 और दो का उल्टा 5 हो जाएगा ना। आप बताइए कि दो के विपरीत संख्या क्या होगा, तो दो के विपरीत संख्या क्या हो जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप बोलिएगा कि सर आप दो और तीन के लेके चले, यहाँ पे कॉमन मिल रहा है ये भी, तो तीन और चार देखिए तो इसमें चार चार मिल रहा है, तो उसको लेके भी कोई बच्चा बना सकता है, तो हाँ बिल्कुल भी बना सकता है, देखो कैसे बनेगा, उसको भी हम लोग लेके बना देंगे तीन एंड चार से, तीन एंड चार से। अब देखिए कौन कॉमन मिल रहा जी, चार मिल रहा सर, तो यहाँ पे चार लिखेंगे, उसके बाद घड़ी की दिशा में 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिल रहा, 4 हो, उसके बाद इस तरह से दिशा में चलेंगे, डायरेक्शन में चलेंगे, 2 और 6 2 और 6 इसको काटिए, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। चलिए आप बताइए कि 5 के उल्टा हमको पूछ रहा था ना 2, यहाँ से भी क्या आया, 2 आया, 1 का उल्टा क्या आया, 4, यहाँ पे भी सेम, और 3 का उल्टा 6 यहाँ पे भी, तो कोई भी दो फलक हम लोग को लेके चलना है और उसका कॉमन कोई एक गो के पकड़िए और उसके बाद आप लोग घड़ी की दिशा में घुमाइए और उसका विपरीत संख्या निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन दे तो फंसना नहीं है, इसको इस तरह से सोल्व कर लेना है, बहुत ही आसान है और बेहतरीन है, एग्जाम में ऐसा एक आध क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको सभी लोग नोटिस करेंगे और अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग और भी अच्छा प्रश्न लेके आएंगे, तब तक बने रहिए, थैंक यू।